बर्थडे है तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो बहुत ज़िंदगी में तरक्की करे, क्योंकि बहुत खूबसूरत बच्ची है नो डाउट, और इतने टैलेंटेड पापा हैं उसके विक्रम जी जैसे, तो वो खुद अपने आप में बहुत टैलेंटेड हैं और जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कर रहे हैं। अभी उनकी दो फिल्में भी वो प्लान कर रहे हैं, एक आमीन है और एक अभी माही है जिसका टेंटेटिव टाइटल है, अभी टाइटल फाइनल नहीं है। ख़ास तौर पे मैं आमीन के बारे में कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी फिल्म है जो विक्रम जी बनाने जा रहे हैं एज ए डायरेक्टर। तो वो 1984 के दंगों के ऊपर फिल्म है, सिख दंगे और इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद जो कुछ हुआ देश में, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके नए पहलू को छुआ है उन्होंने। वो फिल्म इंडिया से शुरू होकर किस तरह एब्रॉड में जाती है, स्पेन में जाती है, वो उस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती और बहुत नया एंगल है। 1984 के बारे में जो कुछ आप लोग जानते हैं उसको उन्होंने बहुत नए अंदाज में छुआ है विक्रम जी ने। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रोजेक्ट होगा कितना इंटरेस्टिंग होगा आपके हिसाब से और किस तरह से इसको फिल्माया जाए? देखिए ऑफ बीट सब्जेक्ट है और मुझे लग रहा है आज की डेट में बहुत ज़रूरत है उस सब्जेक्ट की, जो आमीन है। आप यही समझ सकते हैं सबसे उस सब्जेक्ट की खास बात यह है कि 1984 के दंगों से निकली हुई एक बेटी जो सरदार है, जो सिख है, वो एक किताब लिखती है और उस किताब का नाम आमीन है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अलग बात है उसके अंदर कि एक सिख बेटी जो दंगों में जिसके माँ बाप मारे गए और वो किस तरह से उसकी जर्नी है, मैं सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा अभी, लेकिन ख़ास बात यही है उसकी कि एक सिख बेटी जिसकी उम्र मुश्किल से 8-9 साल है वो किताब लिख रही है आमीन। आमीन जो एक मुस्लिम वर्ड है, तो वो आप फील कर सकते हैं कि उसमें अभी किस तरह से क्या क्या हुआ होगा, वो सब चीज़ें वक्त आने पे खुलेंगी। सर आपने कैमरा सी क्रिएटिव ब्लेंड फॉर अ कैमरामैन, इस टाइप का जो सब्जेक्ट होता है जो कोई भी टाइम लैप्स की होती है, जो पुरानी चीज़ें होती है, वो ऑटोमेटिकली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, चैलेंजिंग हो जाती है। तो मुझे अच्छे से याद है लास्ट ईयर जब अर्लीन बॉर्न होने वाली थी तब मैं और सर जुड़े थे, आज एक साल हो गया साथ में, इट्स अ बिग थिंग। आमीन हमने तब बात की थी एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है बिकॉज टाइम लैप्स की मूवी मैं करना भी चाहता था एंड एनीथिंग विच इज़ दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग, तो फॉर अ डीओपी दैट्स द फन इन इट। एट प्रेजेंट हमने उस बारे में सोचा नहीं है बिकॉज एनीथिंग विच हैज़ टू बी रियलिस्टिक हैज़ टू बी ऑन द पेपर एंड ऑन द लोकेशन। मैं अभी कुछ बोल दूँ और वो हो तो डजंट मेक सेंस, एक बार जब सर लिख देंगे वो ऑटोमेटिकली रियलिस्टिक हो जाएगा। कॉन्ट्रोवर्सीज इज फन, कॉन्ट्रोवर्सीज होती है तो प्रोजेक्ट का नाम आगे बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है हम कंट्रोवर्सी के पॉइंट से सोचें, एक सच्चाई बोलना वो भी एक बात होती है। तो सच है कोई ऐसा ज़बरदस्ती उसमें कुछ भी क्रिएट नहीं किया गया है, तो और एक जर्नी है, बस एक लड़की की जर्नी है 8-9 साल की बेटी की, किस तरह यहाँ से शुरू होकर एब्रॉड तक जर्नी है। वो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के तिलक नगर में क्या हुआ या देश के कोने कोनों में, वो आज सबको मालूम है, उसमें कुछ नया नहीं है बताने को कि इंदिरा गांधी की के मर्डर के बाद इस देश में सरदारों के साथ क्या हुआ, वो कोई अद्भुत बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कुछ नया आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन उसमें कोई नया पहलू है जिसे छूने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक नया एंगल है उसके अंदर जिसको अभी हम नहीं बता रहे। तो सिर्फ एक ही फील देने के लिए बोला कि एक सरदार बेटी एक किताब लिख रही है आमीन, तो इसी से एक फील है कि बहुत अलग है वो जो भी है। मैं आपके कहते हैं कर्नल का बर्थडे तो कैसे विश करना चाहेंगे आप? मैं उसको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, बहुत विशेस करना चाहूँगी, वो बहुत अच्छे से ग्रो अप हो, बस अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे अच्छे से। She is our younger sister and it's amazing to be here and I really enjoyed and that's it. Yeah, she is really cute. I really loved her. I don't know party, you invited the party yesterday. Yeah, that was amazing. बहुत खुशी हो रही है बर्थडे को मनाते हुए, तो हमें अपने आप को बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हम इस बर्थडे में शामिल हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, जैसे काफ़ी अच्छा लगा, जैसे फर्स्ट बर्थडे है उसे ऐसे कुछ बोलना नहीं जा सकता कि काफ़ी बहुत बड़ा अच्छा किया हुआ है।
बोलना तो कुछ चाहूँगी, बस यही बोलना चाहूँगी कि जब भी छोटी सी बच्ची है हमारी, एक बहुत प्यारी सी बच्ची भगवान ने दी है, भगवान उसको बहुत लंबी उम्र दे एंड बहुत अच्छा उसका फ्यूचर ब्राइट हो, दैट्स इट। यार थैंक्स बोलो कि आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े होते हो, हमेशा ही आते हो, सपोर्ट करते हो, थैंक यू सबको। मेरी बेटी का, छोटी वाली का फोर्थ बर्थडे था आज, उसके लिए सबने प्यार दिया। और ये मेरे बड़े मेरे ब्रदर हैं कजन ब्रदर कुलदीप जी, भाई साहब, और मैं छोटा भाई हूँ। ये हमारे थैंक यू आप सब लोगों को, आप सब लोग आए, शामिल हुए हमारी खुशियों में। और हमारी बेटी का पहला बर्थडे है, एक साल की हो गई पूरी आज वो, और खुश रहे, हमारा आशीर्वाद उसके साथ। थैंक यू। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे परी, आज वो एक साल की हो गई है, कॉन्ग्रेट्स भाई साहब। भाई इनकी पिंकी पहले बेटी है भाजी, आपकी दो पिक्चर भी आ रही है उसके बारे में। हाँ, मेरी आ रही है माही और 84 के बारे में, सबको ही पता ऑलरेडी, कंट्रोवर्सी फिल्म है ये। देखो कहाँ तक कंट्रोवर्सी होती है, इसके लिए मैं भी कंट्री में जो घुसना नहीं चाहता हूँ, स्टेट ही करना चाह रहा हूँ फिल्म को। तो क्योंकि 84 के बारे में ऑलमोस्ट सारी दुनिया को ही पता है 84 के बारे में, पर दर्द और फील आज तक किसी ने दिखाया नहीं। सिर्फ तुमने फिल्म बनाई है, दंगा दिखा दिया, क्या हुआ उससे पहले उसके बाद क्या हुआ, ये किसने अभी स्टोरी छेड़ी नहीं है। तो उनके साथ बच्चों के साथ क्या हुआ, जो 84 के अंदर बच्चे अनाथ हुए, कहाँ गए बच्चे, तो मैं वो फील और वो दर्द लेके आ रहा हूँ इस बार। बाकी देखो आप लोगों की दुआएं, प्यार, सपोर्ट चाहिए भाई। तो सर कब से प्लान कर रहे हैं शूटिंग का? अप्रैल से मैं फ्लोर के ऊपर हूँ, जो ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट कम्प्लीट हो चुकी है, मैं अप्रैल से फ्लोर पे जा रहा हूँ। तो मेरी शूटिंग पहले कश्मीर हो रही है, फिर जम्मू में हो रही है, पठानकोट हो रही है, पंजाब है और दिल्ली में है। यार कुछ चीज़ रहने दो, कुछ मैं चाहता हूँ सीक्रेट है कुछ चीज़ें, कुछ क्योंकि लोग नहीं चाहते कि ये शूटिंग कंप्लीट हो, तो उसके लिए भी बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो मैं कुछ कास्टिंग बेटर करके ला रहा हूँ, और बड़े ही बड़े एक्टर्स हैं, बड़े ही नाम हैं जो फिल्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि बोला गया है कि हाँ थोड़ा बताएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, तो जल्दी ही फ्लोर पे जाएंगे। इस बार क्या क्या प्रोजेक्ट आपने बनाने का तय किया, क्या? यार आप पंजाब में जाओ, आज दर्द है वो आज के टाइम में हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ होता ही होता है, 84 का मसला भी हल खड़ा होता है, पर 84 के मसला तो हर बार ही खड़ा होता है, बट उसका आज तक भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। देखो अगर इस फिल्म के बाद कोई डिसीजन हो जाए या कुछ सपोर्ट हो जाए, हम किसी कांग्रेस मतलब किसी भी पार्टी को ब्लेम मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के अंगेज फिल्म नहीं बना रहा हूँ, इट्स वेरी क्लियर, मैं किसी भी पार्टी के अंगेज फिल्म नहीं बना रहा हूँ, मैं वो दर्द दिखा रहा हूँ जो 84 में बच्चों के साथ हुआ। ये उनके अंगेज फिल्म बन रही है जिन लोगों ने बिना सोचे बिना समझे कुछ भी किया, सोचा ही नहीं कि उनके घर में भी बीवी बच्चे बहने हैं, बस जो आतंक मिला वो मचा दिया। सिर्फ उनके अंगेज फिल्म है, किसी भी पार्टी के अंगेज फिल्म ये नहीं है, और मैं किसी की पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। ये भी कहना चाहूँगा कि रिस्क भी काफ़ी है, क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगा। देखिए मैं आज से 84 में वापस जा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है मेरा, क्योंकि वो चीज़ें वो कॉस्ट्यूम वो सब चीज़ें वो ट्रक्स वो बसें वो दंगे वो हाँ एवरीथिंग। देखो सब लोग नहीं जाएंगे फिल्म बने और रिलीज हो, देखो ये तो क्लियर ही है मेरे पास, बट ये फिल्म मेरा एक टारगेट है और मेरा एक एम है, ये फिल्म कम्प्लीट भी होगी और रिलीज भी होगी, इट आर श्योर है। ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री को ही पता है यार, ऑलमोस्ट सबको ही पता है फिल्म आ रही है 84 के बारे में, ऑलमोस्ट सभी को पता है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है, बड़े से छोटे एक्टर सभी मेरे को पर्सनली जानते हैं और ऑलमोस्ट सबको पता है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट मैं वो रोमांटिक कर रहा हूँ यार, माही माही है वो रोमांटिक कर रहा हूँ। 84 इज़ ए वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट और माही इज़ ए वेरी डिफरेंट,
इज टोटली रोमांटिक एक फील। वो भी एक ऐसा एक कहानी है कि जो यहाँ से लड़के बन मतलब अब्रॉड गए और अब्रॉड के बाद शादी करके यहाँ लड़की छोड़ जाते हैं और उसके बाद नया घर बसा लेते हैं वहाँ जाके और यहाँ के भूल जाते हैं, ऐसा कुछ लेके आ रहा हूँ नया कुछ रोमांटिक बस है। और मैं मतलब बड़ी बड़ी पार्टी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने बहुत छोटी सी पार्टी अरेंज की है जो हमारे 45 शहीद हुए हैं सैनिक, उनके लिए सच में बहुत दुख है, बहुत दर्द है। और क्योंकि ये दर्द हम नहीं समझ सकते, ये दर्द हम लोग नहीं समझ सकते, हमारी फैमिली नहीं समझ सकती, दर्द वही समझता जो जिसकी फैमिली का मेंबर है वो, या वही समझता सैनिक जिसका परिवार में से कोई खोया है। हम लोग सिर्फ उनके लिए हाथ जोड़ के नमन कर सकते हैं। मैं सारी मीडिया से जो मेरा ये इंटरव्यू सुने उनसे भी बोलूँगा कि प्लीज़ अभी हम लोगों को नया भारत की ज़रूरत है, नई सपोर्ट की ज़रूरत है, और सब लोग सपोर्ट करें और उनको आर्मी वालों खास करके जो मिले उनको सपोर्ट कीजिए। एक इंटरव्यू में छोटे से मेरे से 18-19 साल के लड़के ने एक इंटरव्यू दिया, मैंने वो इंटरव्यू बड़े चौ से देखा। वो कहते हैं कि हम लोग घर छुट्टी आते हैं तो पड़ोस वाले ये पत्ते वाले पूछते कि वापस जा कब रहे हो, तो भाई उनको भी हक है ज़िंदगी जीने का और उनको भी हक है शादियों में शामिल होने का, तो उनसे भी उतना प्यार कीजिए जितना, क्योंकि आज हम जो आज फ़कर है आराम से सुकून से रात को सोते हैं ना, तो ये उनकी वजह से सोते हैं। विश करने आए और हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए आए थे, तो बस बाकी फिल्म की बात बाद में होंगी, अभी फिलहाल हम बर्थडे एंजॉय कर रहे हैं। स्वीट सी बेबी है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बेबी है, और उनके फर्स्ट बर्थडे में अगर हम लोग पार्टिसिपेट किए हम लोग साथ में, तो बच्चे के लिए बहुत वेल विशेज है, वो आगे ग्रोथ करें आगे तक। थैंक यू। बर्थडे के बारे में कहना क्या चाहेंगे, बच्ची है भी और उसको विश करेंगे और बड़े होके सक्सेस हासिल करें और हमारे पाजी का नाम रोशन करें और उसको उसके लिए प्रे कर सकते हैं, अभी तो इतनी सी है, बड़ी हो और अच्छा कुछ काम करे और मुस्लिम देश के लिए। वैसे एक्चुअल में हमको ये बर्थडे नहीं मनाना चाहिए थे, पाजी को भी बहुत पाजी भी नहीं मनाना चाहते थे क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन घर वालों की एक ख्वाहिश थी इसलिए फैमिली गेट टुगेदर रखा है। सो हमें उस चीज़ का बहुत गम है कि ये सब जो हुआ है जो कश्मीर में हुआ उसके लिए, बट अब छोटी बच्ची थी, फर्स्ट ईयर था, सो एक फैमिली गेट टुगेदर किया है। बस यही है कि देखिए बच्ची के लिए शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, ये दोनों चाचा हैं, पर चाचे दोनों कमीने हैं। बच्ची जो है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वही इतिहास बनाते हैं, उसके लिए दुआ है, इंशाल्लाह वो बहुत कामयाब हो, हम सबकी दुआएं उसके साथ हैं, उन दुआओं के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये जो हादसा था इसकी वजह से थोड़ा हम लोग वो बातें नहीं कर सकते, उतनी खुशियां नहीं। वैसे इनकी इनकी बेटी का भी आज बर्थडे है और इनकी बेटी का भी बर्थडे है, सो और ये हमारे इधर के बीजेपी से अभी है, मतलब पॉलिटिक्स में है, इनका बीजेपी में है, सो ये कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, वैसे ही बोलेंगे तो इनके ऊपर खतरा है, इसलिए शांत रहें तो अच्छा है। नहीं नहीं घरेलू बातों में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि ये बर्थडे है, विशु वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे पाजी, पाजी को बर्थडे, पाजी आओ अभी बर्थडे पूरे परिवार के लिए, ईश्वर करे बच्ची बहुत कामयाब हो। मोबाइल दे दो मेरा। और पाजी के अंदर भगत सिंह का खून है, ये भगत सिंह के ख़ानदान से हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो खून अपना असर दिखाता है, वो कल IAS IPS बने, देश की सेवा करें, देश के लिए कुछ काम करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारा आशीर्वाद है बाजी के लिए भी और बच्चे के लिए। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। अरे मराठी बोलते हैं भाव, भाव को मतलब बड़ा भाई, तो ये बड़े भाई हैं मेरे, तो बेटी के ताऊ जी हुए, क्योंकि हम लोग बर्थडे वैसे भी मनाने वाले नहीं थे, मतलब थोड़ा बच्चों के लिए प्रेशर था तो उसके लिए हमने बर्थडे मनाया है बस। और बाकी अब भाव से पूछिए। परी का बर्थडे
परी को मैंने आज पहली बार देखा और देखने के बाद मैंने वही कॉम्प्लीमेंट दिया कि सचमुच की परी है और परी के बर्थडे के लिए मैं खास करके विश करने के लिए आया हूँ। आज एक्चुअली लोकमत का अभी सेलिब्रेशन बहुत बड़ा फंक्शन था पर मैंने वो अवॉइड किया क्योंकि मेरी भतीजी का बर्थडे है। विक्रम पाजी मेरे छोटे भाई है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। बिल्कुल, उस नाते ताऊ जी के नाते बिल्कुल आज परी को मैं आशीर्वाद देने के लिए विश करने के लिए खास करके आया हूँ। और इस सेलिब्रेशन इस बर्थडे पार्टी में ताऊ जी के अपने हमारे विक्रमा जी के बहुत सारे दोस्त लोग यहाँ पर मिले, हमारे सिकंदर भाई वी भाई ऐसे बहुत सारे दोस्त भी यहाँ पर मिले। मैं परी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ। शहीद भगत सिंह के प्रमुख हैं तो मतलब एकदम मतलब जो कि वो गुड बड़े अभी पाँच मिनट वालों से और काम करे और ज़्यादा ज़्यादा काम। अभी तक मैंने एक अनाउंसमेंट नहीं किया था क्योंकि भाव नहीं आए थे। देखिए बड़ा दुख है कि हमारे जवान शहीद हुए, उसका रियली में अफसोस है। पर हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा भाईचारा बढ़े। पाकिस्तान के साथ देखो, पाकिस्तान आज जैसे हमारी आवाम यहाँ है वहाँ की आवाम है, तो ऐसा मैं नहीं कहता कि उनका हाथ ऐसा कुछ। पहले मेरा देश, पहले मेरा भारत, उसके बाद पाकिस्तान है, ये बहुत क्लियर है। क्योंकि जब पाकिस्तान या हिंदुस्तान नहीं था तब खाली हिंदुस्तान था, क्योंकि हमारे से निकल के पाकिस्तान बना है वो। और एक बात और मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, अगर तीन लोग जिंदा होते तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और तीसरे भगत सिंह जी, अगर ये जिंदा होते कभी भी पाकिस्तान नहीं बनता, ये बहुत क्लियर है। मैं और पवार साहब एक फिल्म लॉन्च कर रहे हैं दोबारा भगत सिंह, जिसकी हम लोग शूटिंग पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं और ऑलमोस्ट परमिशन सारी मेरी हो चुकी है सारी भगत सिंह की हम लोग। और राजगुरु मैं पाकिस्तान से एक आर्टिस्ट को लिया है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, भगत सिंह तो मैं इंडिया से ले रहा हूँ। और हम लोग ज्वाइंट मिलके एक पिक्चर बनाना चाह रहे हैं भगत सिंह की। तो हमारी ये पिक्चर का मकसद यही है कि वहाँ की अवाम हमारी अवाम एक हो, ताकि एक खून खराबा बंद हो। जो मसला जिस पे अटका ये दोनों सरकारें बैठे हैं और बात क्लियर करें, क्योंकि कुछ लोगों की बेवकूफ़ी के कारण बेगुनाह की जान जा रही है। तो जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, हमने यही हमेशा चाहा है कि खून ना बहे, पर हम तो हमेशा क्रांति लाए हैं, क्रांति की और आगे भी क्रांति करते रहेंगे। जय हिंद। पाकिस्तान के कलाकार परसों की बात है, फेडरेशन ने अनाउंस किया है कि कोई भी पाकिस्तान का कलाकार यहाँ पे काम करेगा तो हम सेट हट जाएंगे, सेट से सेट पे। बॉलीवुड में कोई पाकिस्तान का कलाकार नहीं, बिल्कुल मैं उसकी वजह है, मैं हालात ऐसे हैं मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि ये शूटिंग 99% पाकिस्तान में हो रही है, सारी पूरी फिल्म पाकिस्तान में शूट हो रही है। पाकिस्तान के आर्टिस्ट हिंदुस्तान में नहीं आ रहे, हम पाकिस्तान में शूटिंग करने जा रहे हैं, उनको बताने कि हम हिंदुस्तानी हैं फर्स्ट थिंग। और ये फिल्म मैं भाईचारे के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि तो उनकी आवाम भी चाहती है कि आपस में एक हो। नहीं, मैं किसी फेडरेशन के अगेंस्ट नहीं, मैं जाना भी चाहता और हूँ भी नहीं यहाँ पे। नहीं, हम फेडरेशन के क्या किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं, देखिए हमारे देश की परंपरा में पहले हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ना सीखा है। और लेकिन अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे देश के ऊपर कोई निगाह करेगा तो हमारे देश का ये मसला है कि हम अपने देश को भारत माँ कहते हैं, और जो बच्चे अपनी माँ के नहीं हो सकते वो दुनिया में किसी के नहीं हो सकते। तो हमारी माँ पे मत आओ, अगर माँ पे आओगे फिर तुम कोई भी हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। लेकिन हमने बताया हमारी परंपरा है, हम हाथ जोड़ लेते हैं, तो उस हिसाब से एक प्लान बनाया गया है, उस प्लान को हम मूव करेंगे। हम भाईचारा चाहते हैं, हम किसी से लड़ाई नहीं करते हैं। और हाँ, रही बात अब क्योंकि मौजू निकला है यहाँ पर, वो मौजू नहीं है, मौजू ये है कि भाई ये जिस तरह से भी कायरतापूर्वक घटना हुई, हम उसके भी खिलाफ नहीं है जो ये आतंकवादी था,
हम उसके खिलाफ हैं जिसने उसे आतंकवादी बनाया। क्योंकि जब तक वो जड़ें नहीं खोदी जाएंगी तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी, और हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है और इतना अच्छा है, हमारे देश से हज़ारों साइंटिस्ट निकल रहे हैं, कौन कौन से कलाकार निकल रहे हैं, तो हमारे देश में इतने वीर हैं ना कि हम अगर सुबह यहाँ बैठेंगे तो शाम को हम लाहौर में होंगे। हम वो सब जानते हैं, उस पर बोलने का मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हम भाईचारा चाहते हैं, लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। क्योंकि लड़ाई का मुद्दा है कि बेगुनाह मरेंगे उसमें, जिन्होंने जो ये लड़ाई छुड़वाएंगे वो साले तब पे कंट्रियाँ छोड़ के बाहर बैठे होंगे ना, तो पाकिस्तान में रहने वाला नहीं है। क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो पाकिस्तान का नाम निशान खत्म है, ये वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम अब भी कहते हैं कि हम भाईचारा चाहते हैं, और एक स्पेशल में हम लोग, मैं और भाव ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था हम लोगों ने। तो उन्होंने यार ये नहीं, अब तो सिद्धू, मैं देखो अब तो सिद्धू जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने पॉलिटिकल मसला है, पॉलिटिकल मसला, उसमें मैं नहीं घुसना चाहता, मैं कोई कंट्रोवर्सी कलाकार वाला मसला है, कंट्रोवर्सी में नहीं बचना चाहते हम लोग किसी भी। देखिए अभी हमने आपको हालात ऐसे, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे लिए पहले मेरा देश, मेरी माँ, उसके बाद दुनिया में कुछ भी, पहले मैं अपने, मेरा देश है। मैं यही चाहता हूँ कि भाईचारा हमारा बना रहे। हम भाईचारे के लिए, देखो पहले भी बीजेपी में अटल बिहारी जी गए थे भाईचारा बनाने के बाद में कारगिल हुआ। अब भी हम इंसानी है ना, हम तो सब इंसानी है ना। एक और आखिरी सवाल चलते चलते, यहाँ से जो क्रू मेंबर जाएंगे उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की क्या, उस सभी गारंटी मैं ले रहा हूँ, मैं उठाऊँ गारंटी उनकी। नहीं, सिक्योरिटी देखिए हम तो गारंटी लेंगे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियाँ कहीं की भी हों वो हमेशा देखिए वफादार होती हैं। हमारे देश की भी जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं वो अपना काम ईमानदारी से करती हैं, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं कुछ, हर जगह देखिए लोग अच्छे बुरे होते हैं, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। अगर हम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट से बोलें कि भाई तुम मुझे नौकरी दिला दो, अभी एक बड़ा अच्छा पोस्ट किया था किसी ने, तो उस पर नावेद ने एक बात कही कि भाई, उसको फ़ोन करके उसने बोला कि भाई आप मुझसे कुछ पैसा ले लो और मुझे नौकरी दिला दो। तो उसने बोला भाई आप, तुम्हें पता नहीं है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो उसने बोला भाई ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो फिर तो रिश्वत लेते होगे, पैसा लेके नौकरी दे दो। तो उसने बोला क्या तुम्हें लगता है कि हर आदमी, हर गवर्नमेंट सर्वेंट रिश्वतखोर है? तो उसने फिर उसको जवाब दिया। इसी तरह से देश में रहने वाला हर मुसलमान आतंकवादी नहीं सर। आप ऐसा पोस्ट मत करो, आप मीडिया वाले हो, आप उन चीज़ों को वो लाइटली ले जाओ, अच्छे से ले जाओ। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को ईमानदारी से करा जाता है तो सब हो जाता है। ये वक्ती हालात ख़राब हैं क्योंकि हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, जाने से बाद गुस्सा ज़रूरी है। मैं स्पेशल क्या देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के आर्टिस्टों के लिए हमेशा ऐसा किया है, हाथ खोले काम दिया है, सपोर्ट की है, सब किया है। तो हम भी तो देखें पाकिस्तान हमारे लिए कितना क्या सपोर्ट करता है। हमेशा वो शूटिंग करने यहाँ है ना, हमने उनको काम दिया है, इस बार हम भी तो देखें वो के मरले कितना खड़े होते हैं। सच्चाई हमारे सामने भी तो आनी चाहिए ना फिर। थैंक यू।